वेलकम बैक टू ब्यूटी टिप्स विद प्रियंका। आज की मेरी रेमेडी है नीम क्लेंजर और नीम फेस पैक बनाने की। आप देख सकते हैं कि मैंने यहाँ पर पहले से ही पत्तियाँ लेके रखी हैं। मैंने यहाँ फ्रेश नीम की पत्ती ली है। आप चाहें तो इनका पाउडर बनाकर भी यूज कर सकते हैं। अब मैं इन्हें एक ग्राइंडर में डाल के ग्राइंड कर लूंगी पानी के साथ में। फ्रेंड्स, अब मैंने नीम की पत्तियों को अच्छे से ग्राइंड कर लिया है। अब एक स्टेनर की हेल्प से इन पत्तियों को स्टेन कर लेंगे ताकि हम इनका जूस निकाल पाएं। अब फ्रेंड, नीम का जूस बनके तैयार है। अब नीम क्लेंजर बनाने के लिए सबसे पहले मैं यहाँ लूंगी 3 चम्मच नीम जूस। उसके बाद 1 पिंच हल्दी ऐड करूंगी। अब मैं यहाँ लूंगी एलोवेरा जेल। मैं यहाँ 1 चम्मच एलोवेरा जेल यूज करूंगी। अब लेना है ऑलिव ऑयल, ये हमें यहाँ पर 1/2 चम्मच यूज करना है। अब मैं ले रही हूँ विटामिन ई का कैप्सूल, हम इसका ऑयल भी इसमें ऐड कर देंगे। अब हम इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे जब तक कि सारे इंग्रेडिएंट्स अच्छे से आपस में मिक्स नहीं हो जाते। अब फ्रेंड्स, ये क्लेंजर बनके तैयार है। आप इसे स्टोर करके भी रख सकते हैं 4 से 5 दिन के लिए फ्रीज में। अब मैं दिखाऊंगी कि इसे किस तरह से यूज करना है। इसे सबसे पहले अपनी स्किन पर लगा लें और हल्के हाथ से सर्कुलर मोशन में मसाज दें। मसाज आपको 3 से 4 मिनट के लिए करनी है। मसाज करने के बाद में इसको नॉर्मल पानी से धो दें। ऐसा करने से आपकी स्किन की ऑयल और डर्ट हट जाएगी, जिससे आपकी स्किन सॉफ्ट हो जाएगी। इसके बाद हम बनाएंगे नीम फेस पैक। नीम फेस पैक बनाने के लिए मैंने यहाँ पर ली है 3 चम्मच नीम का जूस। फिर मैंने लिया है 1 चम्मच मुल्तानी मिट्टी यानी फ्यूलर्स अर्थ। फिर मैंने लिया है ग्लिसरीन, यहाँ पर मैंने 1/2 चम्मच ग्लिसरीन यूज किया है। फिर लेना है 1 पिंच हल्दी और लास्ट में 1/2 नींबू का रस। अब इन सबको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। ये नीम फेस पैक बहुत ही ज्यादा इफेक्टिव है। इससे आपकी पिंपल्स, एक्ने और स्कार्स बहुत ही इजीली रिमूव हो जाएंगे। अब ये पेस्ट बनके तैयार हो गया है। आप देख सकते हैं इसकी कंसिस्टेंसी। अब मैं दिखाऊंगी कि इसको किस तरह से यूज करना है। आप इस पेस्ट की अपनी स्किन पर एक थिन लेयर बना लें और 15 से 20 मिनट के लिए इसे सूखने के लिए छोड़ दें और 20 मिनट के बाद इसे एक नॉर्मल पानी से धो लें। ऐसा करने से आप एक डिफरेंस जरूर पाएंगे अपनी स्किन में। और फ्रेंड्स, अगर आपको मेरी ये रेमेडी पसंद आई हो तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक करें और मेरा चैनल सब्सक्राइब करें। थैंक यू।